हम अनेकों देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं की अलग अलग विशेषताएं दी गई है। उन सभी देवी देवताओं में भोले बाबा यानी महादेव की अलग विशेषता है। कहा जाता है कि सभी देवों में से सबसे ज्यादा भक्तों की संख्या महादेव की ही है। जहां हमने देखा है कि भगवान के शिव के एक हाथ में डमरू है और एक में त्रिशूल पकड़े हुए हैं, गले में सांप और जटाओं में गंगा की धारा समाहित है, वस्त्र के नाम पर बस बाघ की खाल लपेटी है। ये खाल उनके शरीर पर कैसे आई क्या आप जानते हैं? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इसकी असल वजह क्या है। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ब्रह्मांड का भ्रमण करने के लिए निकले। उस दौरान वे कोई वस्त्र नहीं पहना करते थे। एक जंगल से होकर जब वह गुजर रहे थे तब उन्हें पता नहीं था कि उस जंगल में एक ऋषि मुनि का परिवार रहता है। पुराणा के अनुसार भोले शंकर की आकर्षक छवि को देखकर ऋषि मुनि की धर्म पत्नियां उनकी तरफ आकर्षित होने लगी और उन्हें निहारने लगी। ऋषि मुनियों को जब इस ओर ध्यान गया तो वह काफी क्रोधित हुए। ऋषि मुनियों को लगा कि उनकी धर्म पत्नियां मार्ग से भटक रही है। तब ऋषि मुनियों ने भगवान शिव को दंड देने का प्रण कर लिया। दंड देने के लिए ऋषि मुनियों ने भगवान शिव के रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया। भगवान शिव जब उस रास्ते से गुजरे तो वह उस गड्ढे में गिर गए। बाद ऋषियों ने उस गड्ढे में एक शेर को छोड़ दिया ताकि वह शेर भगवान शिव को अपना शिकार बना ले और खा जाए। लेकिन भोले शंकर ने शेर को मारकर और उसकी खाल को अपना वस्त्र बनाकर गड्ढे से बाहर निकल आए। ऋषि मुनियों ने जब ये देखा तो वह अचंभित रह गए और माफी मांगने लगे। उन्हें लगा कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि साक्षात देवों के देव महादेव हैं। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।